Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दुनिया में किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी भी जगह की बात करें, हर जगह जिस तरह लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उसी तरह भूत प्रेत बाधा में भी भरोसा करते हैं। भूत प्रेत पर आधारित किस्से और कहानियां हमें आज भी सुनने में आती हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि भूत प्रेतों पर आधारित फिल्में भी बहुत प्रसिद्ध होती हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि भूत प्रेतों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन कुछ लोग भूत प्रेतों के होने का दावा भी करते हैं। आज हमारा विषय यह नहीं है कि भूत प्रेत हकीकत में होते हैं या नहीं, बल्कि आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों किसी को भूत प्रेतों के होने का एहसास होता है, या वास्तुशास्त्र के मुताबिक आखिर इस सब के होने का कारण क्या है। आइए जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। याद रहे, आपके घर का मेन गेट दक्षिण और पश्चिम दिशा में यानी नैऋत्य कोण में नहीं होना चाहिए। यहाँ बेसमेंट या जमीन के नीचे पानी की निकासी न हो, और यह हिस्सा आपके घर के दूसरे हिस्सों के बजाय बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत के होने का एहसास आपको हो सकता है। अगर आपके घर की महिला मानसिक रोग से ग्रस्त है, या उसके शरीर में किसी आत्मा का निवास होने की बात कही जा रही है, तो आपको अपने घर का दक्षिण नैऋत्य कोण अच्छी तरह देखना चाहिए। घर के पश्चिम नैऋत्य कोण में दोष होने के कारण आपके घर के पुरुष को मनोरोग या पागलपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रहे, घर में निगेटिव एनर्जी का एहसास ऐसे ही कुछ वास्तु दोषों को नज़रअंदाज करने से होता है। अगर आपको घर में कोई भूत प्रेत होने का एहसास हो रहा है, या घर का कोई सदस्य मनोरोग या उन्माद जैसी समस्याओं से गुजर रहा है, तो आपको घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण एवं पश्चिम कोने पर यह चेक करना चाहिए कि कहीं वहाँ कोई गड्ढा तो नहीं। इस दिशा में गड्ढा होने से आपको अपने घर में भूत प्रेतों के होने का एहसास हो सकता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.